के दिन हम जितना घूम लिए थे उतना घूम गए, क्योंकि हम 1-2 बजे तो पहुँचे थे, उसके बाद जितना हो सके उतना कवर किया। बाकी अभी हम टिपिकल जो राजस्थानी थाली है जिसके अंदर सब आता है, जैसे हमने दाल बाटी चूरमा किया था सिंपल, वो सिर्फ एक डिश था, लेकिन ये राजस्थानी थाली पूरी है और इसका प्राइस यहाँ पे 750 है। और इसमें क्या क्या रहता है मैं आपको ये जब थाली आएगी तब बता दूँगा। बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और ये जो रेस्टोरेंट है ये प्रॉपर यहीं पे फोर्ट के नीचे ही है, फोर्ट पे तो अभी हम फिलहाल गए ही नहीं है। और बाकी एक बार रेस्टोरेंट में दिखा देता हूँ, इसमें आउटडोर भी है बैठने को लेकिन सब सारा बुक है, बट अंदर हम इंडोर में ही बैठे तो इंडोर में दिखा देता हूँ। तो गाइज़ ये इनका आउटडोर बैठने के लिए था, अभी फ़िलहाल बाहर एक बेंचेस खाली हो गए थे तो हम लोग बाहर ही आ गए फिलहाल। सो लेट्स चेक आउट दिस यार, दिस इज़ रियली गोइंग टू बी अमेजिंग। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यार, क्या हवेली दिख रही है, कौन सी हवेली है? देखो इधर आपको अभी फ़िलहाल राजस्थानी थाली से मिलवाएंगे, राजस्थानी थाली और बहुत ही देखने में डिलीशियस लग रही है। अभी फ़िलहाल हमने थोड़ी देर पहले देखी तो देखने में तो सही लग रही थी, बट एक्चुअली दिस इज़ टिपिकली राजस्थानी थाली, देर इज़ लॉट्स ऑफ आइटम लाइक यू नो चूरमा और लच्छा परांठा, और ये दूसरा है, दूसरा क्या था, ये कौन सी रोटी थी, ये बाजरे की रोटी, और बाकी बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं और फ्राइड राइस है और पापड़ है, और ये क्या क्या इंक्लूड रहता है इसमें, और ये बाजरे की रोटी है और ये लच्छा परांठा, और ये क्या है, ये सांगरी, सांगरी, और ये दाल सर, ये पनीर सब्जी, ये कड्डी, ये गोभी मटर, ये सांगरी, ये चावल, अच्छा ही पापड़, पापड़ सैलड, और ये लस्सी, ठीक है। सो गाइज़ एक बार ट्राई करते हैं और फिर आपको एक फेयर इसका रिव्यू देते हैं कि इज़ इट वर्थ और नॉट। सो गाइज़ अब टाइम हो चुका है रिव्यू का, फेयर रिव्यू दूंगा अपनी ओर से और मैं दिखा देता हूँ आपको। अनुपम ने सारी थाली रगड़ ली दोस्तों और बोलती है कि मुझे दाल बाटी चूरमा ज़्यादा अच्छा लगा, और पूरी थाली ये देखिए तबाही, देखते हैं तबाही इसको बोलते हैं सर, असली तबाही, ये देखो पूरी थाली की ऐसी तबाही की, सारा खा गई भाई और दो रोटियां और मंगाई। भाई और ये व्यू और ऊपर से खाना, राजस्थानी खाना, बस ये चाहिए बाकी कुछ नहीं। सब मेरी बारी है फेयर रिव्यू देने की, राजस्थानी जो थाली है क्या चूरमा, चलो खाता हूँ, दो मिनट रिव्यू देने दो यार। राजस्थानी थाली बेसिकली क्या है, 1-2-3-4-5 इन्होंने दी सब्जियाँ और उसमें एक दाल थी और चार सब्जियाँ, मतलब जैसे उसमें एक इनकी खेर सांगरी करके, और बाकी एक मिक्स वेज दी इन्होंने, और बाकी एक दिन उन्होंने एक है गट्टा कड़ी, क्या ये गट्टे की सब्जी गट्टे कड़ी भी बोलते इसको, और बाकी ये क्या था, मंचूरियन टाइप कुछ था, बट लेकिन मंचूरियन नहीं था ये, बाकी ये दिया। भाई से कौन किसका पेट भरता है भाई से, क्या भाई किसी चीज़ के बीज दे दिए, बोले ये खा लो ये फ्राई की है ठीक है, एज ए स्नैक्स ये ठीक है, और पापड़ भी था इसमें थाली में, और सैलेड था, एक लस्सी का गिलास था, और जो एक लच्छा परांठा और बाजरे की रोटी उसे हुआ नहीं, फिर हमने एक दूसरी मिस्सी जो बेसन की रोटी होती है वो मंगाई, बस तबाही कर रहे हैं। और बाकी वर्थ इट की बात नहीं यार दोस्त उस थाली में, क्योंकि पता क्या होता है, वर्थ इट है या नहीं है वो अलग बात होती है, बट लेकिन आप जिस जगह पे घूमने आए हो और वहाँ की थाली ट्राई ना करो
तो फिर वो बात नहीं है। कैसा है चूरमा? उससे अच्छा है जहाँ पहली जगह खाया था उससे अच्छा? क्या बोलते हैं, वर्थ इट की तो बात नहीं होती, क्योंकि जिस जगह हम आए हैं वहाँ का हम जो टिपिकली फूड है, जैसे यहाँ का जैसलमेरी जो राजस्थानी जो फूड है वो ना खाए तो बात नहीं बनती है। क्योंकि बेसी दाल रोटी दाल फुल्का तो रोज़ खाते हैं यार, कभी कभी ट्राई तो ये भी करना चाहिए। जहाँ घूमना है तो वहाँ का फूड खा लीजिए। और इतनी अच्छी अच्छी हवेलियाँ यहाँ पे, ये एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि घर कौन सा है, हवेली कौन सा है, रेस्टोरेंट कौन सा है। और जो यहाँ पे एक जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ ये ढाबा होटल कुछ भी, ये काफ़ी अच्छा है रेस्टोरेंट, इनकी डेकोरेशन अच्छी है, बाकी इससे अच्छे अच्छे भी होंगे बट लेकिन हमें ये दिख गया और हम आ गए। बाकी बातें अभी थोड़ा और तवाई कर लेते हैं, पूरा एक फिनिश कर लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं। सो गाइज, दिस इज़ रेस्टोरेंट, ये इनका जो मैंने कल वीडियो में बताया था कि ये अपना ही रहता है सेटअप, यहाँ आपको प्रॉपरली राजस्थानी मिल जाएगा जो भी है। आप एक बार देखिए फिर बात करते हैं। हर जो भी रेस्टोरेंट है, जो भी होटल है, उसके हर ऊपर ये चीज़ें बनी हैं, ये देखिए। ये कैफे वाले हैं और ये कैफे अंदर। और अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और सिटी बिटी का टूर लेते हैं और पूरा फोर्ट घूमते हैं और जितनी भी हवेलियाँ उनको घूमते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। गाइज, अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ सिटी का टूर लेने के लिए और फोर्ट का टूर लेने के लिए और हवेली का। इस पर हमें जो पैकेज लिया था हमने उस पर ही गाड़ी बुक था, लेकिन गाड़ी कई जगह जाता नहीं है, जाकर कंजस्टेड रहता है, तो फिर हमने ऑटो ही बोला कि भैया ठीक है ऑटो ही रहेगा ठीक। और उससे पहले मैं आपको एक जहाँ पर हम रुके हैं, जिस पैलेस में रुके हैं उसका एक टूर दे देता हूँ बाहर से आउट व्यू। और ये देखिए सामने फोर्ट है, ठीक है, ये रोड है और यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ से ऊपर मार्केट है और ये है बीचों बीच है, चौक से थोड़ा नीचे है और जिस पे हम रुके हैं। और ये देखिए यहाँ अनुपम, और ये है पैलेस का नाम जसवंत पैलेस। अगर यदि आपको कभी आना हो तो इसमें ज़रूर रुके, क्योंकि भाई से मेरी अच्छी सेटिंग वैसे हो गई है, मतलब अच्छी बातचीत हो गई। और ये वाला अपना रूम था ऊपर जिस पे हम रुके थे, और ठीक है, मतलब अच्छा है, जो भी सारा यहाँ पे खाने वाने का या ऑल ओवर फैसिलिटी है ठीक है। और बाकी आपको मिलते हैं अब सिटी टूर पर। सो गाइज, अब हम निकल चुके हैं लेक की ओर, लेक यहाँ पे ही है और लेक का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो राजस्थानी जो भी सारे हैं, सारी आइटम्स होती हैं जो भी जैसलमेरी राजस्थानी, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये आप देख सकते हो, ये कुछ एंट्री है और ये अनुपम लगी हुई है अपने फ़ोटो खींचने। अभी हम फोन से फ़ोटो खींचेंगे। भैया ये क्या मंदिर है? चलो तू धूप है तो मैं अपनी माता जी के लिए ना ऐसा बैग ले जाओ। किसके लिए? मम्मी के लिए। हाँ अच्छा चलो। अच्छा ट्रेडिशनल ड्रेस में? अच्छा कितना लेते हो? 100 लेंगे। 100 फोटो भी देंगे साथ में? इसके साथ में ऑर्नामेंट फोटो साथ में। अच्छा कितने? एक फोटो देंगे? फोटो एक देंगे। अच्छा 100 में एक? अच्छा चलो आए हम थोड़ी देर। अच्छा कोई नहीं आए हम थोड़ी देर। ओके ₹100 का मिलेगा एक फोटो।
अच्छा दोनों साथ में बन जा रहा, ड्रेस तो ऊपर ड्रेस पहने का भी मिल जा रहा है। ठीक है पहले घूम लेते ना फिर हम खिंचवाएंगे पक्का, है ना? ठीक है ओके। घूम लेते हैं भैया फिर आपके साथ पक्का आएंगे। ये देखिए खंबा गणी हजूर, आ जाओ। सो गाइस मजे लीजिए यार, यहाँ बहुत ही अच्छा सुंदर व्यू है यार, बहुत अच्छा नज़ारा है और काफ़ी ट्रेडिशनल में हम ड्रेसेस में हम फोटो खींच सकते हैं। मेरे पीछे आप जो भी बिल्डिंग देखोगे और हर कोई, ये देखिए ये वाली बिल्डिंग या जो भी है, सब बिल्कुल सोने की कलर का है, इसलिए सोनारगढ़ फोर्ट सोन वो यहाँ पे रील बनेगी हर कुछ ही वाली यार। यहाँ पे वोटिंग वोटिंग कर सकते हैं, लेना है और लक्का छुप जाओ मन ने सुनाओ चौधरी चौधरी। टिकट है कितने का है? अच्छा टू सीटर फोटो सनावर 300। दिस इज एक्चुअली द प्राइस ऑफ द वोटिंग। यहाँ से आप वोटिंग का टिकट बुक करवा सकते हो और बाकी आपको अंदर का व्यू बताता हूँ मैं।